हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। दिस इज एसएसटी ईडियोपीडिया। माय सेल्फ स्वाति केसवानी। जैसे कि आपको पता है, मैं 12th कॉमर्स का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी करवाने वाली हूँ। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के हिसाब से अ बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइंड एज इंस्ट्रूमेंट। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिसको एक्सचेंज वैल्यू होती है। इसमें आप किसी को अगर ये बिल देते हो तो उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल सकते हैं। एक्सचेंज वैल्यू होती है, राइटिंग में होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसमें आपको एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जिसमें अमाउंट मेंशन हुआ होता है और साइन किया होता है पार्टीज का, साइंड बाय द मेकर। मेकर यानी कि ड्रॉवर, जिसने बिल बनाया है, ड्रॉ किया है। डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उसमें ड्रॉवर किसी पर्सन का नाम मेंशन करेगा, ऑर्डर देगा उसको कि आपको पेमेंट करना है। उसमें टेन्योर मेंशन होगा, यानी कि ड्यूरेशन 3 months या डेज में होगा, 65 days या 40 days के बाद में आपको पे करना है। किसको पे करना है वो भी वहां पे मेंशन होगा। और बियरर, बियरर मतलब जिसके हाथ में बिल है उसको आपको पे करना है, ठीक है। तो पार्टीज कितनी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, कौन कौन इन्वॉल्व होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज हैज 3 parties, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर इज द मेकर ऑफ द बिल, जो बिल बनाता है, जो बिल ड्रॉ करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज तब बनता है जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। एक पर्सन होता है जो क्रेडिट पे सेल करता है, एक होता है जो क्रेडिट पे परचेस करता है। तो जिसने क्रेडिट पे सेल किए गुड्स, उसको अमाउंट लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, जिससे अमाउंट लेना है वो उसका डेटर हो जाएगा और ये उसका क्रेडिटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉवर इज द मेकर ऑफ बिल, जिसने बिल बनाया है। द बिल इज साइंड बाय द ड्रॉवर, वो बिल ड्रॉवर साइन करेगा। अ क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द डेटर, ये डेटर का क्रेडिटर है, जिसको इसने गुड्स से सेल किए हैं वो इसका डेटर है और ये उसका क्रेडिटर है, उससे इसको अमाउंट लेना है। ड्रॉवी कौन होता है? ड्रॉवी इज द पर्सन अपॉन होम बिल इज ड्रॉन, जिसके लिए ये बिल ड्रॉ किया हुआ है, जिसने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए हैं और वो अमाउंट पे करने के लिए बिल पे साइन करके देगा। ड्रॉवी इज द डेटर हु हैज टू पे द मनी टू द ड्रॉवर, ड्रॉवी जो होता है वो ड्रॉवर का डेटर होता है, ड्रॉवर उससे पैसे लेगा। ये ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर्स, ड्रॉवी जो होता है वो एक्सेप्टर भी माना जाता है, क्योंकि वो कबूल करके देता है, एक्सेप्ट करके देता है, यस आई विल पे। लास्ट है पेई, पेई कौन होता है? फाइनली जिसको पेमेंट होता है। ड्रॉवर ने अगर अपने पास बिल रखा है तो पेमेंट ड्रॉवर को होगा। अगर ड्रॉवर ने, क्योंकि इस बिल को एक्सचेंज वैल्यू होती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, एक्सचेंज वैल्यू होती है, तो ये बिल ड्रॉवर अगर बैंक में लेके जाता है तो बैंक उसको पैसे देगी, फिर ड्रॉवी बैंक को पे करेगा। या अगर ये किसी और से, अपना जो उसका फ्रेंड्स रहेंगे या एंडोर्सी, जिसको भी एंडोर्स करता है, उसको वो ड्रॉवर को पेमेंट कर देगा, ड्रॉवी एंडोर्सी को पेमेंट करेगा। तो एंड में जो पर्सन अमाउंट लेगा, यानी कि ड्रॉवी जिसको अमाउंट पे करेगा, वो होता है पेई। पेई मे बी द ड्रॉवर हिमसेल्फ, अगर ड्रॉवर ने किसी को भी बिल दिया नहीं है, ड्रॉवर ने बिल अपने पास ही रखा है, तो ड्रॉवी, ड्रॉवर ही होगा पेई। अगर ड्रॉवर ने बिल किसी को दे दिया तो वो हो जाएगा पेई, यानी कि थर्ड पार्टी। बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है? बायर क्रेडिट पे गुड्स परचेस करता है, सेलर क्रेडिट पे गुड्स सेल करता है। तो इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट रहता है और जितने ड्यूरेशन के लिए बायर ने क्रेडिट मांगा है, उसके हिसाब से बिल बनाया जाएगा। सेलर गुड्स दे देगा और अमाउंट के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, जो फ्यूचर में रिसीवेबल होगा और पेएबल होगा। फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा राइटिंग में ही होता है, ओरल का कोई वैल्यू नहीं होता है। राइटिंग में रहेगा तो ही उसका वैलिडिटी है और उस पर दोनों पार्टीज का सिग्नेचर भी होता है। इट मस्ट कंटेन अ कन्फर्म ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट एंड नॉट रिक्वेस्ट। वहां पे रिक्वेस्ट नहीं होता है, प्लीज आप पे करना, ऐसे नहीं होता है। वहां पे ऑर्डर होता है दैट यू हैव टू पे,
और ड्रॉवी उसको एक्सेप्ट भी करता है, यस आई विल पे। द ऑर्डर शुड नॉट हैव एनी कंडीशन, उसमें कोई कंडीशन भी नहीं होती है। द बिल ऑफ एक्सचेंज अमाउंट शुड बी डिफाइनाइट, उसमें अमाउंट भी डिफाइनाइट मेंशन किया होता है, अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं लिखते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा वो अमाउंट वहां पे मेंशन किया जाता है। फिक्स्ड डेट फॉर द अमाउंट टू बी पेड, अप्रोक्सीमेट डेट भी नहीं होता है कि ये दिन पे या वो दिन पे, ऐसे नहीं, फिक्स्ड डेट आफ्टर 3 मंथ्स या 45 डेज या 60 डेज, पर्टिकुलर डे आपका वहां पे मेंशन होगा कि किस दिन आपको पे करना होता है। द बिल मस्ट बी साइंड बाय बोथ द ड्रॉवी एंड द ड्रॉवर, जो दो पार्टीज रहती हैं दोनों पार्टीज का वहां पे सिग्नेचर कंपल्सरी है तो ही उस बिल को वैलिडिटी होता है। द अमाउंट स्टेटेड ऑन द बिल शुड बी पेड ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड टाइम, जो उसमें अमाउंट मेंशन किया हुआ है वो बिल का जो ड्यूरेशन रहता है ऑन और बिफोर, जिस दिन तक है उस दिन तक उसका वैलिडिटी होता है, तो उस दिन तक पेमेंट होगा या उससे पहले हो सकता है, उसके बाद में नहीं, उसके बाद वो बिल डिसऑनर हो जाता है। द अमाउंट इज टू बी पेड टू द बेनिफिशियरी ऑफ द बिल स्पेसिफिक पर्सन और अगेंस्ट अ डिफाइनाइट ऑर्डर, अमाउंट जो है वो बेनिफिशियरी ऑफ द बिल जिसके नाम पे बिल है उसको, यानी कि ड्रॉवर को पे किया जा सकता है, या ड्रॉवर ने किसी को बिल एंडोर्स किया है या बैंक से डिस्काउंट करवाया है उसको पे करना होता है। तो टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल जो बनता है उसमें ड्रॉवी को एक्सेप्ट करके देना होता है, तो एक्सेप्टेंस के यहाँ पे देखो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जर्नल एक्सेप्टेंस। जर्नल एक्सेप्टेंस में क्या होता है, ड्रॉवर ने जैसे बिल बनाया है ड्रॉवी ने साइन करके दे दिया, यानी कि ड्रॉवी ने उसमें कोई कंडीशन नहीं डाला, ड्रॉवर ने जैसे बनाया हुआ है जो अमाउंट लिखा है जितना उसने टेन्यूअर मेंशन किया है या जिसको पे करने के लिए बोला है ड्रॉवी ने सब एक्सेप्ट कर दिया, ये है जर्नल एक्सेप्टेंस, ड्रॉवी ने कोई कंडीशन नहीं डाला। सेकेंड होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में क्या होता है, ड्रॉवर ने जो लिखा है ड्रॉवी को उसमें कुछ चेंजेस करना है, ड्रॉवर ने जो अमाउंट मेंशन किया है ड्रॉवी को उतना अमाउंट का पेमेंट नहीं करना है, या जो डेट डाला है जो ड्यूरेशन या टेन्यूअर डाला है उसमें उसको पीरियड में और ज्यादा बढ़ाने हैं डेज, तो उसमें अगर उसने कोई कंडीशन डाला तो वो होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। व्हेन ड्रॉवी एक्सेप्ट द बिल विद सर्टेन क्वालिफिकेशन ऑफ द ड्रॉवर इट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जैसे कि क्वालिफाइड एज टू टाइम, टाइम उसको अगर ज्यादा चाहिए पे करने के लिए, एज टू प्लेस, मुझे ये पर्टिकुलर प्लेस पे करना है मैं वहां पे नहीं जाऊंगा पे करने के लिए, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, अमाउंट उसने ज्यादा था उसको कम करके लिखा, क्वालिफाइड एज टू पार्टीज, थर्ड पार्टी वहां पे अगर मेंशन की हुई है मुझे इस पार्टी को नहीं पे करना है मैं इसको पे करूंगा या मैं ड्रॉवर को ही पे करूंगा, क्वालिफाइड एज टू कंडीशंस, जो भी कंडीशन वहां पे रहेगी ड्रॉवी को अगर एक्सेप्टेंस करते समय देखना है कि मुझे क्या क्या डालना है वो वहां पे डाल सकता है, वो होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जिसमें ड्रॉवी ने कंडीशन डाला है, क्वालिफाइड किया है उसको। तो अब देख लेते हैं फॉर्मेट बिल ऑफ एक्सचेंज का कैसे बनाया जाता है। जर्नल एक्सेप्टेंस का एक एग्जांपल देते हैं, ड्रॉवर मिस्टर शाह मुंबई, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर दिया है, ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस दिया है, अमाउंट ऑफ बिल दिया है, टेन्योर ऑफ बिल दिया है, डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये आपको गिवन होता है एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको क्या करना है ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट में एडजस्ट करना है। फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया, इसमें आप सेंटर में लिखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज, सेंटर में बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के राइट हैंड साइड हम लिखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, यहाँ पे देखो ड्रॉवर का नेम एंड एड्रेस दिया है मिस्टर अमित शाह फ्रॉम मुंबई, तो वहां पे हमने राइट हैंड साइड लिखा अमित शाह फ्रॉम मुंबई, उसके नीचे लिखते हैं डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल कौन सा है 3rd June, मतलब ड्रॉवर ने जिस दिन बिल बनाया है, यहाँ पे ये डेट क्या है, ड्रॉवर ने जिस दिन बिल ड्रॉ किया है, दिस इज द डेट ऑफ बिल। अब जहां पे आपने नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर लिखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड एक और छोटा सा हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं जिसमें आता है स्टैम्प, यहाँ पे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक्सचेंज वैल्यू होती है तो इसको स्टैम्प भी कंपल्सरी होता है। स्टैम्प के एग्जैक्टली नीचे आपका एक और रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा जिसमें हम मेंशन करेंगे अमाउंट इन फिगर्स, कितना अमाउंट है 25,500, यहाँ पे हमने अमाउंट मेंशन कर दिया। इसके बाद आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद करना है, क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको टेन्यूअर दिया है 3 मंथ्स,
तो टेन्योर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ड्रॉवर यहाँ पे लिखेगा 3 महीने के बाद ड्रॉवी को ऑर्डर देगा कि आपको पे करना है, मुझे पे करना या मेरे ऑर्डर से पे करना। देखो कैसे लिखना है, 3 months after the date pay to me, ड्रॉवर बोल रहा है मुझे पे करना, और माई ऑर्डर या मैं जिसको पे करने के लिए बोलूंगा उसको पे करना। अमाउंट जो आपने ऊपर लिखा वही यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, सम ऑफ रुपीज 25,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। मैंने क्या बताया, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे बनता है, तो बायर ने अभी कुछ अमाउंट का क्रेडिट लिया है उसके लिए ये पे करेगा। अब ये हो गया बिल, इस बिल को बोलते हैं ड्राफ्ट, क्योंकि यहाँ पे अभी सिग्नेचर नहीं है। अब ड्रॉवर पहले साइन करेगा, राइट हैंड साइड साइंड बाय ड्रॉवर, ड्रॉवर का नेम लिखा ब्रैकेट में कि ये ड्रॉवर ने साइन किया, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट। दिस इज बिल बिफोर एक्सेप्टेंस, यहाँ पे ड्रॉवर साइन करके टू ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस भी मेंशन करेगा। ड्रॉवी कौन है, देखो जया फ्रॉम कल्याण, तो यहाँ पे उसने लिखा जया फ्रॉम कल्याण। दिस इज बिल बिफोर एक्सेप्टेंस यानी कि ड्राफ्ट। अब ये बिल इसका रेडी है, ड्रॉवर क्या करेगा, ये बिल ड्रॉवी को भेजेगा, बायर को भेजेगा, बायर उस पे साइन करेगा। अब बायर को यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डालनी है, बायर रेडी है ड्रॉवर को पे करने के लिए, या ड्रॉवर जिसको भी बोलेगा पे करने के लिए, 25,500 में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यूरेशन भी उसको 3 महीना चलेगा, तो यहाँ पे वो लिखेगा कबूल है, कैसे एक्सेप्टेड, ये पैरेलल लाइंस में भी लिखा जा सकता है। ड्रॉवर ने, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया, यानी कि लिखा एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस देने के बाद वो साइन करेगा, एक्सेप्टेंस देने के बाद उसके नीचे वो साइन करेगा, कौन है ड्रॉवी, जया, तो यहाँ पे उसने साइन कर दिया। साइन के साथ जिस दिन वो एक्सेप्ट कर रहा है वो डेट भी डालेगा, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 7th June 2019, यहाँ पे लिखा 7th June 2019। देखो कितना सिंपल है, आपको ड्रॉवर का नेम एंड एड्रेस, ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस, अमाउंट, टेन्योर, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये गिवन होगा। आपको क्या करना है, इसको ये प्रॉपर फॉर्मेट में सिर्फ अरेंज करना है, और एक ये जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, 3 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, ये आपको लर्न करना है। ये हुआ जर्नल एक्सेप्टेंस। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जर्नल एक्सेप्टेंस का। जर्नल एक्सेप्टेंस सेम ले रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ पे देखो क्या एडिशन हो गया, पेई का नेम एंड एड्रेस आ गया, ड्रॉवर का नेम एंड एड्रेस है, ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस है, पेई का भी नेम एंड एड्रेस है, इसके पहले वाले बिल में पेई नहीं था। देन अमाउंट सेम है, टेन्योर सेम है, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सेम है। अब क्या करना है, इसमें से भी मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ पेई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्या करेंगे, सेम मेथड है, कोई चेंजेस नहीं है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ किया, सेंटर में लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट हैंड साइड अपने सेम लिखा नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, डेट ऑफ बिल जिस दिन ड्रॉवर ने बिल बनाया, लेफ्ट हैंड साइड में स्टैम्प का बॉक्स बना लिया, उसके नीचे फिगर्स में हमने नंबर लिख दिया, 25,500 जो अमाउंट है वो लिख दिया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर से अमाउंट, सॉरी ड्यूरेशन से ही स्टार्ट करेंगे, टेन्योर है 3 months, वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ड्रॉवर खुद के लिए नहीं बोल रहा है पे करने के लिए, यहाँ पे ड्रॉवर ने मेंशन किया है मिस चांदनी को पे करना जो पूना में रहती है, तो यहाँ पे वही लिखेगा 3 months आफ्टर द डेट पे टू। अब यहाँ पे मी और माय ऑर्डर की जगह पे आ जाएगा पे टू मिस चांदनी फ्रॉम पुणे और हर ऑर्डर, या जिसको वो ऑर्डर देगी पे करने के लिए उसको पे करना। फिर वापस आपका सेम रहेगा, सम ऑफ रुपीज 25,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। देखो यहाँ पे मी और माय ऑर्डर की जगह पे सिर्फ पे का नाम आया और हर ऑर्डर आया, और कोई चेंजेस नहीं की हमने। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल ड्रॉ किया है ड्रॉवर ने, तो साइन करेगा ड्रॉवर, ड्रॉवर साइन करके फिर आपको ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस लिखेगा जिसको ये बिल देना है, ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस आ गया। अब ये बिल ड्राफ्ट है, दिस इज बिल बिफोर एक्सेप्टेंस। अब ये बिल बायर के पास जाएगा यानी कि ड्रॉवी के पास जाएगा, ड्रॉवी इसको रीड करेगा। अब यहाँ पे ड्रॉवी को फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 25,500 पे करने के लिए रेडी है, चांदनी को पे करने के लिए रेडी है, 3 महीने का ड्यूरेशन भी उसको चलेगा। अब ये यहाँ पे एक्सेप्टेंस देगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड, साइन करेगा, साइन जया करेगी जो ड्रॉवी है, और उसके बाद डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया है 7th June 2019। दिस इज फॉर्मेट ऑफ जर्नल एक्सेप्टेंस, ठीक है।
तो ये दो सिंपल हमने जर्नल एक्सेप्टेंस वाले कर दिए। अब एग्जाम्पल कर रहे हैं हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में भी देखो हम एक ही तरह का सम ले रहे हैं, सेम नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवर, पेई, अमाउंट, टेन्यूअर, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे देखो बायर ने क्या किया है, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया है फॉर 4 मंथ्स, लिखा है एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ्स, यानी कि ड्रॉवी जो है 3 मंथ्स के लिए पे करने के लिए रेडी नहीं है, उसको कंडीशन डालना है 4 मंथ्स का। तो यहाँ पे देखो फिर फॉर द टाइम बींग हम एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ्स को भूल जाएंगे, फॉर द टाइम बींग थोड़ी देर के लिए। बाकी का आपका जो बिल पहले वाले इसमें बनाया सेम वैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया, सेंटर में लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट हैंड साइड आपका आ गया नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, डेट ऑफ बिल, लेफ्ट हैंड साइड स्टैम्प आ गया, फिगर्स में अमाउंट आ गया। अब स्टेटमेंट 3 मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मिस चांदनी फ्रॉम पुणे और हर ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 25,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। देखो यहाँ पे हमने 3 मंथ्स ही लिखा, यहाँ पे हमने टेन्योर को चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि बिल ड्रॉवर कर रहा है, ड्रॉवर 3 मंथ्स का ही क्रेडिट देने के लिए रेडी है, 3 महीने ही उसको ड्यूरेशन मेंशन करना है, तो ड्रॉवर ने उतना ही डाला। देन उसने साइन कर दिया, ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस डाल दिया। अब आएगा एक्सेप्टेंस का टर्न, ये बिल गया ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी ने देखा 3 मंथ्स लिखा है, तो ये यहाँ पे कट करके 4 मंथ्स नहीं लिखेगा। ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवर ने जैसे बिल बनाया है वो वैसे ही रहेगा, वहां पे कुछ यहाँ पे उसको ओवरराइटिंग या कटिंग नहीं करना है। ड्रॉवी एक्सेप्टेंस के आगे लिखेगा कि उसको क्या कंडीशन डालना है, यहाँ पे है एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ्स, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ्स, तो यहाँ पे ड्रॉवी का कंडीशन आ गया, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गया ये एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ्स। उसके नीचे वो साइन करेगा, नाम लिखेगा और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस डालेगा। यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही आपको चेंज करना है, जो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगा, जो कंडीशन यहाँ पे ड्रॉवी ने दिया है वो आप एक्सेप्टेंस के बाजू में लिखोगे, बिल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ड्राफ्ट आपका वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले सीखा जर्नल एक्सेप्टेंस के जैसे ही। यहाँ पे आपका क्वालिफाइड कब होगा, एक्सेप्टेंस के बाद आपको कंडीशन पुट करना है। एक और हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का सम देख लेते हैं, सेम है यहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई का नेम एंड एड्रेस, अमाउंट दिया, टेन्यूअर दिया, डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किस चीज के लिए है, अमाउंट के लिए, यहाँ पे एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 25,000 लिखा हुआ है, अमाउंट कितना है 25,500 और ड्रॉवी ने बोला मैं 25,000 पे करूंगा, 500 जो एक्स्ट्रा है वो नहीं पे करूंगा। तो सेम जैसे पहले मैंने बताया, फॉर्मेट पहले आपको सेम ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे, सेंटर में आ जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट हैंड साइड आएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, डेट ऑफ बिल, लेफ्ट हैंड साइड अगेन आपका स्टैम्प आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है, फिगर्स में आपने अमाउंट लिख दिया 25,500, यहाँ पे फिर से आपका जो है पेई को पे करना है, चांदनी पेई है, 3 मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मिस चांदनी फ्रॉम पुणे और हर ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 25,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पे अमाउंट उतना ही आएगा जो ड्रॉवर को लिखना है, क्योंकि बिल तो ड्रॉवर ड्रॉ कर रहा है, तो ड्रॉवर कितना लिखेगा जो उसको लिखना है 25,500। फिर इसने साइन कर दिया, साइन बाय ड्रॉवर हो गया, फिर इसने ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस लिखा, हो गया। अब ये बिल जाएगा ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी ने लिखा देखा 25,500 लिखा हुआ है, तो ड्रॉवी को क्या करना है, उसने बोला कि मैं 25,500 नहीं पे करूंगा, मैं 25,000 पे करूंगा, तो वो यहाँ पे कंडीशन डालेगा, वो एक्सेप्टेंस देगा, लिखेगा कबूल है, लेकिन जिस अमाउंट के जितना अमाउंट वो कबूल कर रहा है वो उतना ही लिखेगा, एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 25,000, सो दैट जब ये बिल चांदनी के पास जाएगा तो वो देखेगी कि ड्रॉवी ने इतने अमाउंट के लिए एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 25,000, जो एक्सेप्टेंस में कंडीशन है वो यहाँ पे आप लिखोगे एक्सेप्टेड के बाद ही, बाकी ऊपर बिल में कोई चेंजेस नहीं आएगी, जो ड्रॉवर ने ड्रॉ किया है वैसे ही आएगा। देन साइन करेगा, साइन बाय जया और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 7 जून 2019, ठीक है। तो अभी हमने सीखा बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाना, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है वो भी सीखा हमने, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको एक्सचेंज वैल्यू होता है, ये फॉर्मेट था। इसकी हम जर्नल एंट्रीज भी करते हैं,
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। थैंक यू।